तो ये मेरे पास मलेरिया एंटीजन का पूरा किट दिया हुआ है, तो इससे हम मलेरिया का टेस्ट लगाएंगे। अभी मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मलेरिया का इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम वाइवैक्स के लिए है, मेरी स्क्रीन मलेरिया एंटीजन के लिए। तो अभी आपको इसमें ये अल्कोहल स्वैब देखने को मिल रहा है, तो ये अल्कोहल स्वैब है। उसके बाद आपको ये लेंसेट इसके साथ मिल जाता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको ये किट है, तो ये किट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किट है आपके पास, और इसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे। और इसमें आपको ये बफ़र मिल जाता है, ठीक है। तो ये बफ़र जो है आपको ये, ठीक है, मलेरिया एंटीजन के लिए बफ़र है, तो इसको भी हमें यूज़ करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर सारा प्रोसीजर दिया हुआ रहता है, ये आप देखेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर है, ब्लड स्पेसिमेन विथ लैंसेट और होल ब्लड बाय वेन पंक्चर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप या तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लैंसेट जो आपको दिया हुआ है उससे आप प्रिक करके भी आप डायरेक्ट टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो ये होल ब्लड दिया हुआ है ईडीटी, आप इसके द्वारा भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, और आपको कैसे लगाना है वो टेस्ट मैं आपको परफॉर्म करके अभी दिखाने वाला हूँ। तो अब इसके साथ हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा कैपिलरी ट्यूब भी इसके साथ है, ठीक है। तो ये भी आता है, और ये मैंने अभी ओपन कर दिया है जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो आपका लिटरेचर है, ये आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। तो ये लिटरेचर में ही आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगा, तो इसको अभी आप रीड आउट करके और कंप्लीट आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद ये किट दिया हुआ है, तो इससे हम टेस्ट लगा करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। बाकी आपको ये लिटरेचर अच्छे से पढ़ना है सावधानीपूर्वक, ताकि आपको कोई भी मिस्टेक आप ना कर सकें। इसमें टेस्ट लगाने वाला हूं, तो 10 माइक्रोलीटर आपको होल ब्लड लेना है। तो मेरे पास माइक्रोपिपेट है, मैं इसी से लूँगा, क्योंकि मेरे पास ये ट्यूब में ईडीटीए ब्लड रखा हुआ है। तो इसको आपको सबसे पहले अच्छे से मिक्स करना है, इस तरीके से आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप कैप ओपन करके और इसमें 10 माइक्रोलीटर आप ब्लड ले लीजिए, और इस तरीके से 10 माइक्रोलीटर ब्लड ले करके, और जो ये सैंपल वाला रीजन दिया हुआ है एस लिखा हुआ है, तो सैंपल वाले में आपको ये रख देना है, इस तरीके से आप इसमें रख दीजिए। रखने के बाद आपको बफ़र जो है इसमें तुरंत ये बफ़र बी जो लिखा हुआ है, इसमें 4 ड्रॉप आप ऊपर से बफ़र डाल दीजिए, इस तरीके से। बफ़र डालने के बाद अब आपको वेट करना है और चेक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कंट्रोल की लाइन है, उसके बाद ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए और प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के लिए। तो यहाँ पर कंट्रोल की लाइन आनी ही चाहिए, तभी आपको जो है ये वैलिड किट माना जाएगा। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव होता है इसमें से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, तो इसमें भी आपको लाइन देखने को मिल जाएगा। तो इसको 20 मिनट तक आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो 20 मिनट बाद हम आपको बताएंगे कि ये रिपोर्ट इसमें क्या आता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे जब आप देखेंगे, ये देखिए, इस तरीके से अगर कोई भी लाइन नहीं आती है तो ये इनवैलिड है, ठीक है। और कंट्रोल में देखिए, कंट्रोल में भी लाइन नहीं आया, और वाइवैक्स में आ गया तब भी ये इनवैलिड है, और कंट्रोल प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में लाइन नहीं आया, फाल्सीफेरम में केवल आया तब भी इनवैलिड है, ये दोनों में आ गया और कंट्रोल में नहीं आया तब भी ये इनवैलिड है। तो इन कंडीशन में ये इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद कंट्रोल में केवल लाइन आया है, बाकी दोनों में नहीं आया है, तो ये नेगेटिव है। उसके बाद कंट्रोल में आ गया और फाल्सीफेरम वाले में आ गया, तो पॉजिटिव फॉर प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। अब यहाँ पर देखिए, तीनों में अगर लाइन आ जाता है तो पॉजिटिव है, मिक्स्ड इन्फेक्शन विद प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में और कंट्रोल में लाइन आ रहा है, तो पॉजिटिव फॉर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो इस तरीके से हम रिपोर्टिंग इसमें करते हैं। तो अभी हमारा ये किट जो है, यहाँ पर सैंपल और बफर आगे जा रहे हैं, और उसके बाद हम 20 मिनट बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग आपको कैसे दिखाई देता है। कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। एक मां